स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ऑटो अपग्रेडेशन की प्रोसेस को। दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो बिहार के इंजीनियरिंग में एडमिशन हो या फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो या फिर BCEC बोर्ड के द्वारा जितने भी तरह के काउंसलिंग होता है वहाँ पे अपनाया जाता है ऑटो अपग्रेडेशन के प्रोसेस को। तो दोस्तों आप एडमिशन लेने वाले हैं या फिर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं, जो प्रोसेस है ऑटो अपग्रेडेशन का आप उसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो अपग्रेडेशन क्या है। दोस्तों आप अपग्रेड वर्ड से परिचित होंगे। मान लीजिए कि आप अभी कोई पुराना सा फोन यूज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस फोन को हमें चेंज कर लेना चाहिए, तो बिग बिलियन डे का सेल लगने वाला है तो आप चाहोगे कि मैं उसमें अपना फोन है उसे अपग्रेड करवा लूं। दोस्तों ये जो प्रोसेस है अपग्रेड करवाने का वो अपग्रेडेशन कहलाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे आपको न्यू फोन है वो मिल जाएगी अपग्रेड होकर के। तो सेम उसी तरह से आप यहाँ समझिए कि आपको कोई कॉलेज है वो मान लीजिए फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में मिल जा रहा है। मान लो कि मुझे GEC गया का कॉलेज है वो मिल गया, लेकिन मुझे लेना था BCEE बख्तियारपुर। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि हम इसे अपग्रेड करवा करके BCEE बख्तियारपुर में जा सकते हैं। दोस्तों तो हम क्या करेंगे कि हम ऑटो अपग्रेडेशन के लिए जो ऑप्शन है उसे यहाँ पे कर देंगे ताकि मेरा जो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसमें हम अपग्रेड हो सके। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो ऑटो अपग्रेडेशन का कहलाता है। तो काउंसलिंग के भाषा में समझे तो अगर आपको कोई कॉलेज मिल जा रहा है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि मुझे इससे अच्छे कॉलेज मिल सकते थे, तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो ऑटो अपग्रेडेशन का है और इसमें आप यस करते हो यानी कि पार्टिसिपेट करते हो तो आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज है वो अच्छा मिल सकता है। जब भी आपको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिलेगा, जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने लगोगे, तो दोस्तों वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपग्रेडेशन के बारे में। आपसे पूछा जाएगा क्या आप ऑटो अपग्रेड करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। तो अगर आपको ऑटो अपग्रेड करवाना होगा तो आप वहां पे यस सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करोगे। दोस्तों जैसे ही आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे उस पर लिखा रहेगा ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन में यस, क्योंकि आपने यस सेलेक्ट किया था। ये जब आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा वहां पे आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में कुछ भी सिलेक्ट कर दिए और बाद में पता हुआ कि मुझे तो एडमिशन लेना था, तो दोस्तों वहां पे फिर आपके साथ दिक्कत हो सकता है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद में आपके जो अलॉटमेंट लेटर होंगे उस पर एक रिपोर्टिंग सेंटर का नाम रहता है, वो नीचे सारा डिटेल मेंशन रहता है कि आपका रिपोर्टिंग सेंटर कहाँ पे है और किस दिन आपको जाना है। तो आप रिपोर्टिंग सेंटर पे जाए सारे डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद में आप सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लिए तो आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लिप है वो वहाँ से मिल जाएगा और जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो भी आपको मिल जाएगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर के घर आ जाना है दोस्तों, यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कॉलेज वाला रखे नहीं, आपको सारे डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न कर दे, क्योंकि जब आगे आपको एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देना होगा ओरिजिनल वाले। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। कंप्लीट प्रोसेस है, आपको ऑटो अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन है वहाँ पे यस करना है, फिर आपको कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तब जाकर के आपका ऑटो अपग्रेडेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बस आप ऑप्शन यस कर दिए और फिर आप कॉलेज नहीं गए, तो फिर आपको आगे काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन यस कर दें, उसके बाद ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा, तो ही आपका ऑटो अपग्रेडेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट है वो मिलता रहे। दोस्तों हम ऑटो अपग्रेडेशन के रिजल्ट के बारे में बात करें तो दो तरह का यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो आपका कॉलेज है वो अपग्रेड हो जाएगा या फिर आपका कॉलेज है वो अपग्रेड नहीं भी हो सकता, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहता है। वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपने किस रैंक पे कैसे चॉइस फिलिंग किया होता है, उसके बाद अगर सीट वैकेंसी है या नहीं है तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे बस दो ही फैक्टर हो सकता है, या तो अपग्रेड हो जाए या फिर अपग्रेड नहीं भी हो सकता है। तो हम समझते हैं कि अगर अपग्रेड हो गया मेरा कॉलेज तो क्या होगा। आपको बता दें कि अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है और वहाँ पे नेक्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग हुई तो उसमें आपको कॉलेज अपग्रेड हो गया, और आपको जब अपग्रेड होगा तो कोई दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि
आपके चॉइस का जो ऊपर का कॉलेज है वो ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने अपग्रेड करवाया और उसके नीचे बाद नीचे का कॉलेज आपको मिल गया, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप अपग्रेड करवाओगे तो आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला है उसके ऊपर का कॉलेज मिलेगा, यानी कि आपके चॉइस में अगर कोई भी ऊपर का कॉलेज होगा, अगर अपग्रेड होता है तो वो ही मिलेगा। और अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो फिर आपको जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला था आपको फिर से सेकेंड राउंड में सेम कॉलेज मिल जाएगा। तो सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि अगर हम अपग्रेड कर दिए और कोई कॉलेज ही ना मिला तो ऐसा नहीं होता है कि आप फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल जाए और सेकंड राउंड में कॉलेज ही नहीं मिलेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि का कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड से तो नीचे ही जाएगा। आपको अगर फर्स्ट में कॉलेज मिला है तो आपको सेकंड राउंड में कॉलेज है वो जरूर मिलेगा। तो एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अपग्रेड होकर के कोई न्यू कॉलेज है वो मिल जाता है तो आपका जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था वो कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे जो भी सीट थे वो आपका वैकेंट माना जाएगा और आपको जो न्यू कॉलेज अपग्रेड होकर के मिला है वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। दोस्तों कुछ लोग के मन में ये भी डाउट होता है कि अगर हम अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए उसके बाद हमको कोई न्यू कॉलेज मिल गया लेकिन हम चाहते हैं कि पहले वाला ही कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका अपग्रेडेशन हो गया, कोई न्यू कॉलेज मिल जाएगा तो पहले वाले सीट हैं वो कैंसिल हो जाती है, आपका वहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता। अगर आप अपग्रेडेशन किए, आपको अपग्रेड होकर के कोई न्यू कॉलेज मिल गया तो आपको हर हाल में वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। दोस्तों इसलिए आप सोच समझ कर जो भी है फैसला करें, आपको अपग्रेडेशन के लिए डालना है या फिर नहीं डालना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।